Hello students, welcome to the session of vector algebra. What I am finding it out that vector algebra is very very important because हमारा जो अब paper है 25 questions का ही हो गया है. उसमें vector 3D से 2 to 3 questions हमें मिल सकते हैं. We can get it. So I decided to continue with the Jagat. Welcome Raj, welcome. Thank you for coming. तो हम start करेंगे आज की class. और आज हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी है कि वेक्टर अलजेब्रा में ट्रिपल प्रोडक्ट की बहुत इम्पोर्टेंस है. ट्रिपल प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट. सो इफ यू कैन आस्क यू वांट टू आस्क एनी डाउट एंड सजेशन यू कैन यूज माय व्हाट्सएप नंबर 6260320543 इस पर आप आ सकते हैं. कुछ भी पूछ सकते हैं. एनी यू आर ऑलवेज वेलकम. ऑलवेज वेलकम फॉर एवरीथिंग. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. वेक्टर अलजेब्रा का सेशन नंबर 1 है और इसमें हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट पे बहुत काम करने वाले हैं. वी विल वर्क ऑन ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट. सबसे पहले हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट और उसकी एग्जामिनेशन हिस्ट्री पर भी काम करेंगे. ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. विल टेक द ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट आफ्टर दैट. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. अब हम आज का सेशन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. और सबसे पहले हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट और ये एक रिविजन क्लास है. इट इज अ काइंड ऑफ रिविजन क्लास. इफ यू ऑलरेडी स्टडीड वेक्टर देन दिस क्लास विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग द कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा. तो लेट्स बिगिन विद इट. तो सबसे पहले ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का कुछ बेसिक डेफिनेशन तो हमें करना चाहिए कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी और यू कैन राइट ए क्रॉस बी डॉट सी. इसकी प्रॉपर्टीज भी दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज द बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी. अब देखिए यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट पे हो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब आप देखिए इस पैरेललोपाइप को. लुक एट दिस पैरेललोपाइप. इट हैज थ्री एजेस. इसके तीन एज हैं और तीन एज हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए. ये देखिए आपका एक वेक्टर ए है एंड अनदर वन इज वेक्टर बी अनदर वन इज वेक्टर सी. वेक्टर सी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी टेकन इन ऑर्डर इज डिफाइंड एज स्केलर क्वांटिटी. क्योंकि स्केलर है तो स्केलर नंबर ही इसका आंसर होगा. इज इक्वल टू. अब आप देखिए हमने इसको थोड़ा मूव आउट किया. ए क्रॉस बी डॉट सी. सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ए क्रॉस बी डॉट सी. सो हाउ वी कैन राइट ए क्रॉस बी डॉट सी. मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ सी कॉस फाई. डेफिनेटली फाई इज द एंगल बिटवीन. प्लीज रिमेंबर दिस. फाई इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड वेक्टर सी. ओके फाई इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड वेक्टर सी. नाउ ए क्रॉस बी इज रिटन एज फर्दर. A cross B is written as further. You know that A cross B can be written as AB. I have written here sin phi. Phi is the theta. Sorry, I have written it sin theta. A cross B is AB sin theta. तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं. A cross B क्या है? AB sin theta है. I'm sorry for this. A cross B is AB sin theta. And definitely theta is the angle between. Theta is the angle between A and B. Theta is the angle between A and B. देखिए आप डायग्राम देखते चलिए. डायग्राम देखते चलिए. A cross B के बीच में बनने वाला एंगल कितना है आपका? A और B के बीच में बनने वाला एंगल है theta. And this angle which is between A cross B and C that is phi. तो A cross B को आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? How you can write A cross B mathematically? So A dot B cross C mathematically it can be written as modulus of A modulus of B modulus of C into sin theta cos phi. Now you should remember theta is the angle between A and B. क्योंकि इसी application पे problems भी solve होगा. A and B and phi is the angle between A cross B
एंड सी। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन मेथड को यूज किया हुआ है। अगर हम वेक्टर सी का ए क्रॉस बी, अब आप अच्छे से जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्या है। ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। यहाँ आपको ए क्रॉस बी दिखाया गया, देखिए आप ध्यान से, जस्ट लुक इन द फिगर, क्योंकि ये आपको ए क्रॉस बी यहाँ दिखाया गया, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब वेक्टर सी का हमने प्रोजेक्शन लिया है, तो प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए क्रॉस बी विल बी डेफिनेटली सी कॉस फाई, और सी कॉस फाई क्या देगा, इसकी हाइट देगा, इस पैरेललोपाइप की हाइट देगा। तो हम मेन पॉइंट पर आ रहे हैं, तो हमारा जो ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी है, जिसे हम बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी बोलते हैं, अगर हम जब भी इसको इवेल्यूएट करेंगे और ए बी सी आर द को टर्मिनस, कॉमन टर्मिनस एजेस ऑफ द पैरेललोपाइप, देन ए डॉट बी क्रॉस सी विल गिव यू द वॉल्यूम, जो कि ए क्रॉस बी, आप देखिए ए क्रॉस बी बेस का एरिया दे रहा है, बेस के एरिया को जब अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमेशा आप याद रखिए इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। कई क्वेश्चंस में आप देखेंगे जेई मेंस और एडवांस में ये फॉर्मूला वाइडली क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थीटा और फाई को हमेशा याद रखिए। तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है स्केलर प्रोडक्ट एस टी पी, अब हम इसे एस टी पी बोलेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप whose three coterminus, coterminus means common terminus, ऐसे edges जो एक common point में मिलते हैं, whose three coterminus edges are the vectors A, B and C. तो A cross B dot C, that is the box product gives the volume. दूसरी चीज, अब देखिए box ABC has, ये point बहुत important है, box ABC has maximum value when vector ABC are mutually perpendicular. क्योंकि आप जानते हो, ये देखिए, क्योंकि आपने ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिखा था, व्हाट यू हैव रिटन, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इनटू साइन थीटा कॉस फाई, और आप अच्छे से जानते हो कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो बॉक्स एबीसी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम ये इसको ऐसे बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉक्स ए बी सी इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ सी, और ये तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा क्या हो, साइन थीटा 1 हो, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और ये तभी होगा जब कॉस फाई क्या हो, 1 हो, कॉस फाई 1 है तो फाई क्या हो गया, 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन, इसको समझिए, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी इज 0 डिग्री। तो अब आप देखिए पिछली स्लाइड पर जाएंगे, ए क्रॉस बी और सी के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू सी। तो ए क्रॉस बी अगर पैरेलल टू सी हो जाएगा और ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू सी, इन अदर वर्ड्स वी से दैट सी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, जो ए और बी दोनों से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री, और सी उसके पैरेलल है, तो सी भी ए और बी से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, बस ये बात आपको याद रखनी है। दिव्या वेलकम, यस यस जगत, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैंने इसको सोचा है कि 3 क्लासेस में, अब आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए, और देखिए असली नॉलेज क्या आएगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस से ही आएगा, आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा तभी आप नॉलेज गेन करोगे। मैथमेटिक्स रिक्वायर्स ओनली प्रॉब्लम्स मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो हमेशा याद रखिए। अब मैं आपको कुछ एक इसमें टिप्स दूंगा। अब जैसे देखिए पहली टिप कि अगर ए है आपका A1i, ये तो आप भी जानते होंगे A2j प्लस A3k एंड बी इज B1i B2j एंड B3k एंड सी इज C1i प्लस C2j, मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगा C3k। तो सबसे पहला
बॉक्स ए बी सी, ये आपने पढ़ा होगा। इस ए वन ए टू ए थ्री इस डिटरमिनेंट को आप इवेल्युएट कर लीजिए तो आपको बॉक्स ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपको ये दिया हुआ है लैम्डा ए। अब जैसे एक मिनट मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपको ये बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है ए टू बी सी, है ना। अब जैसे देखिए 3a माइनस 4b माइनस 2c फॉर एग्जाम्पल, और तीसरा एक और एग्जाम्पल ले लें 5a प्लस 2b प्लस 6c। अगर आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है तो करना क्या है, बहुत सिंपल है। इसको देखिए, आप सबसे पहले क्या करिए, ए का कोफिशियंट यहाँ पर क्या कितना है, वन वन, बी का कितना है टू, और सी का भी कितना है वन, तो वन टू वन, थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस फोर माइनस टू, आपको अपनी क्लासेस में भी सिखाया होगा ऐसे, 5a प्लस 2b प्लस 6, 5 2 6, एंड यू कैन राइट बॉक्स ए बी सी लाइक दिस। तो आप इस टेक्निक का हमेशा यूज करके क्या कर सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जामिनेशन में ये आपका क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल ये हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे ये देखिए ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, आपकी कॉमन टेक्स्ट बुक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते होंगे। तो इस बॉक्स प्रोडक्ट को निकालना है तो हम पहले वेक्टर्स को ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस जीरो इंटू सी, बी प्लस सी को हम लिखेंगे पहले ए लिखेंगे, ए जीरो इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और तीसरे वेक्टर को हम लिखेंगे पहले ए, बी इसमें नहीं है इसलिए जीरो इंटू बी, और इसमें सी है, इसमें सी है। नामन जी वेलकम। तो आप इसको कैसे निकाला जाएगा, आप देखिए कोफिशियंट्स देखिए, वन वन जीरो 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 वन वन, सॉल्व प्लीज आप ही को करना है, ये ए है तो दिस इज वन जीरो वन बॉक्स ए बी सी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका बॉक्स ए बी सी, इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन पे हम इसको कर सकते हैं। 5 2 6, ये देखिए यहाँ फिर चेक कर लीजिए, 5 2 6 5 2 6, 3 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 2, 1 2 1 1 2 1, सो यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर। इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना चाहिए, ये तो आपको पहले सीखना चाहिए। ऊपर वाले में क्या गलती है, 1 2 1 सही तो लिए कोफिशिएंट्स, 3 माइनस 4 माइनस 2, अब आपको इसको सॉल्व करना है, इस डिटरमिनेंट को आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो इस तरह से हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, सबसे पहले ए लिखिए, फिर बी लिखिए, फिर क्या लिखिए आप सी लिखिए, और फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगले कुछ बॉक्स प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। इफ ए बी सी आर कोप्लेनर कोप्लेनर वेक्टर्स देन वी हैव बॉक्स ए बी सी विल हैव व्हाट वैल्यू, जीरो, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम विल बिकम जीरो। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये अल्फाबेटिकल साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है, ए बी एंड सी। अल्फाबेटिकल साइक्लिक ऑर्डर क्या है, ये आपकी वॉच होगी, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। तो आप देखिए ए बी सी, ए से स्टार्ट किया ए बी सी, फिर बी से स्टार्ट किया बी सी ए, और फिर सी से स्टार्ट किया सी ए बी, सी क्रॉस ए डॉट बी, बी क्रॉस सी डॉट ए, या कहीं पे भी आप क्रॉस लगा सकते हैं, कहीं पे भी डॉट लगा सकते हैं, इन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जैसे ये से रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज आप स्टार्ट करें
ए बी सी ए क्रॉस बी डॉट सी, फिर सी से स्टार्ट करिए, सी डॉट ए क्रॉस बी, फिर आप स्टार्ट करिए बी से, बी के बाद क्या आएगा, ए सी बी डॉट ए क्रॉस सी, दे ऑल विल हैव माइनस बॉक्स ए बी सी वैल्यू, और इन सब का वैल्यू क्या होगा, बॉक्स ए बी सी होगा। तो अल्फाबेटिकल, इट फॉलोज द अल्फाबेटिकल साइक्लिक ऑर्डर, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अल्फाबेटिकल साइक्लिक, नमस्ते विवस्वन, अल्फाबेटिकल साइक्लिक ऑर्डर को ये हमेशा क्या करता है, फॉलो करता है, एक ये आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज, अगर कोई भी वेक्टर रिपीट हो जाता है, जैसे ए डॉट बी क्रॉस ए, इफ एनी वेक्टर रिपीट्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इफ एनी वेक्टर रिपीट्स, जैसे आप ये लिख सकते हैं बी क्रॉस सी डॉट बी, बी रिपीट हो गया, सो द आंसर इज जीरो। सो द आंसर इज जीरो। बिफोर वी गो टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस, थोड़ा हमें एक रिविजन चाहिए, 10-15 मिनट में हम इसे रिवाइज कर लेंगे, हार्डली इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स। गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो मुश्किल से 10 या 15 मिनट हमें लगते हैं इसको रिवाइज करने में। तो अल्फाबेटिकल साइक्लिक ऑर्डर को ये हमेशा क्या करता है, फॉलो करता है, ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट हम करने जा रहे हैं, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस, थोड़ा सा आइडिया ले रहे थे क्योंकि क्वेश्चंस में ये सब चीजें क्या होंगी, क्वेश्चंस में ये सारी चीजें क्या होंगी, यूज होंगी। सो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड, तो ए डॉट सी इंटू वैक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वैक्टर सी। तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड, ऐसे आपको याद रखना चाहिए, दिस इज द वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट। तो ये पहला वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी हो गया, और तीसरा वेक्टर क्या हो गया, सी हो गया। तो इस कोडिंग को आप याद रखिए, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट की कोडिंग है 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो इसको आपको ऐसे याद रखना चाहिए, 1.3 × 2 माइनस 1.2 × 3। वेक्टर्स का अब जैसे आपको ये निकालना है ए प्लस बी क्रॉस, फॉर एग्जाम्पल बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, तो यहां आपका पहला वेक्टर हो गया ए प्लस बी, दूसरा वेक्टर हो गया बी प्लस सी, और तीसरा वेक्टर हो गया सी प्लस ए, ठीक है, तीसरा वेक्टर क्या हो गया, सी प्लस ए हो गया। तो हम अपना कोड लगा देते हैं, फर्स्ट डॉट थर्ड, ओके, तो ए प्लस बी डॉट सी प्लस ए इंटू वेक्टर बी प्लस सी माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड ए प्लस बी, एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, डॉट सेकंड दैट इज बी प्लस सी, एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय सिंपल मल्टीप्लीकेशन सी प्लस ए। क्योंकि आप देखिए, ये जब आपका डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो एक नंबर आएगा, और ये नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी प्लस सी से। उसी तरह ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगा, जो सी प्लस ए वेक्टर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा इसकी कोडिंग याद रखो, 132 माइनस 123, बीच में डॉट जरूर डालना है। इसका एप्लीकेशन नमन क्वेश्चंस में आएगा, आज से हम अपनी वेक्टर अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो कंसेप्ट है, जितने यहाँ बच्चे ज्वाइन करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा 25 क्वेश्चन का पेपर है, तो उसमें हम कम से कम 8 to 10 क्वेश्चंस के एरिया को, जैसे कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस के एरिया को हम क्या कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, आप देखिए क्या एप्लीकेशन है, ये आपने पूछा, अच्छा ये एक वैक्टर है, बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, एक वेक्टर देगा, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका आंसर एक वेक्टर आता है। तो आगे चल के क्वेश्चंस में हम इन सब चीजों को यूज करने वाले हैं। अब जैसे देखिए,
मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, पहले आईआईटी में भी आया था। ये आपको बॉक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। और बॉक्स प्रोडक्ट का कोड क्या होता है? 1 2 3 का कोड क्या होता है? 1.2 क्रॉस 3। ऐसे हमें याद तो रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस बॉक्स प्रोडक्ट को हम आप कैलकुलेट करते हैं। देखो, ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया। तो ए प्लस बी, ठीक है, आराम से फर्स्ट डॉट थर्ड, बी क्रॉस सी डॉट ए माइनस फर्स्ट डॉट थर्ड था इनटू इनटू सेकंड इनटू सेकंड। तो सेकंड इज सी, उसके बाद आएगा फर्स्ट डॉट सेकंड, बी क्रॉस सी डॉट सी इनटू फर्स्ट वेक्टर इनटू थर्ड वेक्टर। कोड याद रखो, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 का आपको कोड याद रखना चाहिए। दूसरा और तीसरा वेक्टर ब्रैकेट में होना चाहिए, 1.3 × 2 − 1.2 × 3। ये आपका आ गया। अब आप देखिए, ए प्लस बी, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बी क्रॉस सी डॉट ए। ये हो गया हमारा बॉक्स एबीसी, बॉक्स एबीसी आपको मालूम होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर सी। और बी क्रॉस सी डॉट सी, ये भी एक बॉक्स प्रोडक्ट है, पर इसमें सी रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 0। अब देखिए, बाहर डॉट है, तो एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर से ही होगा। बॉक्स एबीसी तो क्या हो गया? एक नंबर हो गया। और ये सी क्या हो गया है? ये सी क्या हो गया है? वेक्टर हो गया। और ए प्लस बी डेफिनेटली वेक्टर है, तो वेक्टर से होगा, वेक्टर से ही होगा। तो ए प्लस बी, ये ए प्लस बी नहीं था, आई एम वेरी सॉरी, ये था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसको थोड़ा सुधार लो बच्चों, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट सी इनटू बॉक्स ए बी सी। तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्या हुआ? वो भी बॉक्स हुआ, बॉक्स ए बी सी इनटू बॉक्स, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और दोनों सेम है, तो ये आंसर क्या आएगा? बॉक्स ए बी सी स्क्वायर, बॉक्स ए बी सी स्क्वायर, बॉक्स ए बी सी स्क्वायर आएगा। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसमें, और यू मस्ट बी हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स, उन बुक्स में भी आपको काफी प्रैक्टिस मिल जाएगी। अब ये तो एक रिवीजन क्लास है, उन बच्चों के लिए है जो जुलाई में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और ये एक कंप्लीट क्लास नहीं है। हम पूरे चैप्टर्स को तीन क्लासेस में, तीन या चार क्लासेस में वेक्टर और 3D करना चाहते हैं, जिससे हमारे तीन क्वेश्चन का जो वेटेज है वो क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए, तीन क्वेश्चन का वेटेज स्ट्रांग हो जाए। तो आप इसको, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, प्लीज रिमेम्बर दैट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा, बी एलन पिटजी जितने भी इंस्टीट्यूट है उनकी शीट्स में भी आपको इस पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा, सारे इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब दो बातें हमेशा आपको याद रखनी है, दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है, हम उस पर आ रहे हैं। फिर हम हमारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमें बॉक्स प्रोडक्ट का, बॉक्स प्रोडक्ट का हमें सबसे पहले कोड याद रखना है, कि जैसे मान लो कोई से भी तीन वेक्टर्स हैं, एनी थ्री वेक्टर्स, 1 2 3, तो हाउ यू सॉल्व इट? 1.2 क्रॉस 3, दैट इज आवर फर्स्ट कोड, कोड फॉर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद उसके बाद हमें ये याद रखना है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का कोड हमें याद रखना है, और वो कोड बहुत सिंपल है, फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड कैन बी रिटन एज फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड इंटू थर्ड।
ये कोड हो गया हमारा किसके लिए, फॉर ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस तो कोई भी कर लेता है, ये आपको याद रखने चाहिए। इस तरह से आपको याद रखने चाहिए, और आपको ये याद रखना चाहिए अगर बॉक्स प्रोडक्ट में एक वेक्टर रिपीट होता है तो आंसर क्या होता है, जीरो होता है, द आंसर इज जीरो। इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए। अब जैसे ये देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आप इसको क्या लिखते हैं, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अगर मान लीजिए ऐसा होता, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए और साइन आ जाएगा माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड को अप्लाई कर दीजिए, बाहर माइनस साइन है इसको ध्यान रखेंगे, फर्स्ट डॉट थर्ड सी डॉट बी इंटू सेकंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड सी डॉट ए इंटू थर्ड। इस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि सेकंड और थर्ड वेक्टर एक ब्रैकेट में होने चाहिए, ये मैंने आपको करके बता दिया। अब हम इस पर क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन आवर, वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस। तो आप इसको नोट अच्छे से कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए एंड यू कैन पुट योर क्वेश्चंस, अगर किसी अगली क्लास में वेक्टर की होगी, अगर आपको अगली क्लास में कुछ अपने डाउट्स वगैरह इंक्लूड करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसे इंक्लूड कर दूंगा, आई विल इंक्लूड इट। तो आप देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ये जेई मेंस 2005 का क्वेश्चन है। ए वेक्टर है आई माइनस के, बी इज एक्स आई प्लस जे प्लस वन माइनस एक्स के एंड सी इज वाई आई प्लस एक्स जे प्लस वन प्लस एक्स माइनस वाई के, देन बॉक्स ए बी सी डिपेंड्स अपॉन। तो आप लोग सॉल्व करना शुरू करिए, आपको तो बॉक्स का फॉर्मूला मालूम है, ए इज वन इंटू आई, जे नहीं है, जीरो इंटू जे माइनस वन इंटू के, दैट इज वेक्टर ए। वेक्टर बी है आपका, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, वेक्टर बी है एक्स आई प्लस वन जे प्लस वन माइनस एक्स इंटू के, और वेक्टर सी भी दिया हुआ है हमें, वाई आई प्लस एक्स जे प्लस वन प्लस एक्स माइनस वाई इंटू के। तो लेट अस फाइंड, आप ही कैलकुलेट करिए, बॉक्स ए बी सी, डिटरमिनेंट का यूज कर सकते हैं, सॉल्व आप ही को करना है, वन जीरो माइनस वन। प्लीज सॉल्व करिए मेरे साथ और मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है, वन माइनस एक्स, कोएफिशिएंट्स को अरेंज करते हुए लिखना है वाई एक्स जे एक्स एंड दिस इज वन प्लस एक्स माइनस वाई। तो आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, वुड यू लाइक टू सॉल्व इट, इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। I am giving you the time, a kind of quiz. नहीं, determinant की value बताइए, answer की value मत बताइए, determinant की value बताइए। दूसरा term तो zero ही आएगा, तीसरा term आया plus minus plus minus one into। डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए। देखिए आपने पहले बी आंसर बोला, फिर आप डी बोल रहे हो, बस यही हमें एग्जामिनेशन में, आज हमारी इस क्लास का मेन पर्पस क्या है, प्रैक्टिस है। इस क्लास का मेन पर्पस क्या है, प्रैक्टिस है, जिससे हम अगर गलतियां यहां कर रहे हैं तो चलेगा, एग्जाम में गलती हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनी मिस्टेक इन एग्जामिनेशन। यस, तो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वो मैंने इसलिए आप ही को बोला था, वन प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, वन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बॉक्स प्रोडक्ट है
ना तो वो एक्स पे डिपेंड करता है, और क्वेश्चन बोलता है क्या वो वाई पे डिपेंड करता है, नहीं, दूसरा आंसर बोलता है क्या वो एक्स पे डिपेंड करता है, तीसरा आंसर बोलता है वो एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड करता है, चौथा आंसर बोलता है नाइदर एक्स नॉर वाई। तो प्लीज है ना, तो अब आप देखिए ये इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन क्लास, ये हमारी जो क्लासेस हैं ये रिविजन क्लासेस हैं, और जैसे वेक्टर को हम रेगुलर क्लासेस में कवर करना चाहें तो कम से कम 10 से 12 क्लासेस लगती हैं, एटलीस्ट इट रिक्वायर्स 18 आवर्स। तो आपको काम अब रिविजन है, तो डी इज करेक्ट, पहले आपने बी बोला था तो आपका आंसर गलत हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। अब आप देखिए ये भी 2005 का क्वेश्चन है, मैं आप ही को सॉल्व करने का मौका देता हूँ। तो पहले वेक्टर को आप लिख सकते हैं, आप सॉल्व करना शुरू करिए आगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 0 × c। दूसरे वेक्टर को लिख सकते हैं, ए नहीं है उसमें, तो 0 × a प्लस लैम्डा स्क्वायर बी, आपको ट्रिक बताइए ना, आप उसी ट्रिक से सॉल्व करिए, सी नहीं है इसमें, 0 × c। और तीसरा वेक्टर लिख सकते हैं, क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, तीसरा वेक्टर में लैम्डा सी है, तो हम उसको लिख सकते हैं 0 × a 0 × b प्लस लैम्डा इंटू सी, ये तो हो गया। अब देखिए तो ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है लैम्डा ए प्लस बी लैम्डा स्क्वायर बी एंड लैम्डा सी कैन बी रिटर्न एज लैम्डा डिटरमिनेंट फॉर्म, लैम्डा कोफिशिएंट्स देखते जाइए, 0, अभी आपको ट्रिक बताई थी, 0 लैम्डा स्क्वायर, 0 0 0 लैम्डा, और आप मुझे इसको सॉल्व करके बता दीजिए, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके बता दीजिए कितना आ रहा है, इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करके बता दीजिए। तो जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा 4 बॉक्स ए बी सी, जगह आंसर ए नहीं है यार, आंसर ए नहीं है। तो पहला तो आ गया आपका प्रोडक्ट, आंसर ए नहीं है, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है इसलिए आप इसे इतना जल्दी कर पा रहे हैं, नहीं तो क्या होता है एग्जामिनेशन में इसमें टाइम लग जाता है, इट कंज्यूम्स मोर टाइम। और दूसरा भी हम लिख सकते हैं, देखिए इसको पहले वेक्टर को हम लिख सकते हैं 1a प्लस 0b प्लस 0c, और दूसरा वेक्टर है b प्लस c, उसमें a नहीं है, 0a प्लस 1b प्लस 1c, और तीसरा वेक्टर b है सिर्फ, 0a प्लस 1b 0c। तो अगले स्टेप में जा रहे हैं, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, जगह का आंसर सही है आपका। तो अब हम यहाँ पर हम उसे लिख लेते हैं बॉक्स, देखिए आंसर गलत नहीं देना है, वन जीरो 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 वन वन जीरो वन जीरो, थोड़ा यहाँ ओवर राइटिंग हो गया, उसको सुधार देते हैं, देखिए इट शुड बी जीरो, ओके, बॉक्स ए बी एंड सी। अब इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए, यू कैन सॉल्व दिस डिटरमिनेंट, अ वंडरफुल रिजल्ट इज वेटिंग फॉर यू, माइनस वन इंटू बॉक्स ए बी एंड सी, एग्रीड। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा गया है कि ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों इक्वल हैं, तो चलो अगली स्टेप में हम इसको इक्वेट कर देते हैं और हमारा आंसर हम निकाल लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए
टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना चाहिए, कोई जरूरी तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लैम्डा 4 बॉक्स ए बी सी माइनस 1 इनटू बॉक्स ए बी, आराम से वी शुड दिस विल गेट कैंसल्ड. सो व्हाट वी गेट, लैम्डा टू द पावर 4 इज माइनस 1. So this equation will not give any real value of lambda. So let's move back. So our answer is B for no value of lambda. तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे इसको करना है, टेक्निक समझिए. अगर हम शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करेंगे देन वी वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन रिक्वायर्ड टाइम लिमिट. ये आज भी जब ये जेई मेंस में आया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडवांस का पुराना क्वेश्चन है. तो इस तरह का कोई भी नोटेशन, इस तरह का कोई भी टाइप आपको क्या करा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्या आप सब लोगों को ये क्लियर हो गया कि इसे कैसे सॉल्व किया गया? Is it clear to everyone? Then we can move to the next question. अब हम next question की तरफ move कर रहे हैं. I am hopeful कि you are enjoying the class. Let's move to the next question. Yes, this is a very good question. इसको पढ़ लीजिए. Let V, ये IIT screening का question है, 2002 से मैंने लिया है. V एक वेक्टर है 2i plus j minus k, W is i plus 3k and U is a unit vector. Then the maximum value of scalar triple product. तो क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, the maximum value of scalar triple product. अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि scalar triple product को कैसे लिखते हैं. U dot V क्रॉस W, ठीक है. तो सबसे पहले हमें हमें इस कंटेंट में V क्रॉस W को निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले से, I J K, और ये दिया हुआ है 2i plus j minus k, 2 1 minus 1, और W कितना दिया हुआ है i plus 3k, तो 1 उसमें j नहीं है, 0 3. आप इसको सॉल्व कर लीजिए सबसे पहले और मुझे बता दीजिए कि V क्रॉस W का वैल्यू कितना है. V क्रॉस W का वैल्यू आप मुझे बता दीजिए. हाँ, आंसर सी है, बिल्कुल सही है. तो V क्रॉस W जरा आप मेरे को बता देंगे तो इट विल गिव अस 3i एंड जे रिवर्स माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 जे एंड द के माइनस के. सो वी गेट इट यू डॉट 3i माइनस 7 जे, 3i माइनस 7 जे, ओके. सो वी विल राइट इट 3i माइनस 7 जे माइनस के, दैट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट. और ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ u मॉडुलस ऑफ 3i माइनस 7j माइनस k, एंड cos थीटा इज द एंगल बिटवीन, यू कैन राइट दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड 3i माइनस 7j माइनस k. और आप जानते हो कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. यू एक यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मॉडुलस 1 हो गया, और ये हो गया 9 प्लस 49 प्लस 1 एंड दिस इज आल्सो 1. सो द मैक्सिमम वैल्यू विल बी रूट ऑफ 59. सो आप बिल्कुल सही हैं, सी इज द करेक्ट आंसर. There is no doubt about it. C is the correct answer. This answer is correct.
इट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू नो द थ्योरी हाउ टू अटैक अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन, काइंड ऑफ रिविजन. वी आर ऑन अ पाथ ऑफ रिविजन. इस क्लास का उसी बच्चे को फायदा हो सकता है जिसने रिवाइज किया हो. और फिर आपको एक रिविजन के शेड्यूल में पता चल जाता है कि कहाँ आपका वीक एरियाज है, कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज है, और किन चीजों को आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है. अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखूंगा. जे मेंस 2016 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एबीसी आर थ्री यूनिट वैक्टर्स, एबीसी आर थ्री यूनिट वैक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी. तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को यहाँ दोबारा लिखना चाहता हूँ, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया. ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू रूट ऑफ थ्री बाय टू बी प्लस सी. आपको फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. कुछ मेरे ओरिजिनल क्वेश्चंस भी हैं इन कमिंग क्लासेस में आपको, जो अभी हमने इस बार ओरिजिनल क्वेश्चंस को मैंने खुद ड्राफ्ट किया है, नए क्वेश्चंस को वो लेके आऊंगा आपको. देन यू विल एंजॉय मोर. तो हम अपना कोड लगा देते हैं. ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर है, ये थर्ड वेक्टर है. फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड, फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू बी प्लस रूट थ्री बाय टू सी. अब आप देखिए यहाँ पर आप अच्छे से देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में बी का कोफिशियंट क्या है, ए प्लस सी, और राइट हैंड साइड में बी का कोफिशियंट कितना है, रूट थ्री बाय टू. दे शुड बी इक्वल. तो हम कह सकते हैं, पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी हम उन्हें इक्वेट कर सकते हैं. उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड पर दोबारा जाएंगे. व्हाट इज मल्टीप्लाइड बाय सी, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर सी इज माइनस ए डॉट बी एंड हियर इट इज रूट ऑफ थ्री बाय टू, रूट ऑफ थ्री बाय टू. तो एक रिजल्ट हमें पता चल गया, माइनस ए डॉट बी इज रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू. अब हम डॉट प्रोडक्ट से इसके आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि अब हमें मालूम है माइनस ए डॉट बी is root 3 by 2, root 3 by 2. Let's move to the next slide. तो हमारा है minus a dot b is root 3 by 2. इसको हम लिख सकते हैं minus modulus of a modulus of b cos theta, which is the angle between a and b is root 3 by 2. As we know that modulus of a and modulus of b are 1 because they are unit vector. So we get minus cos theta as root 3 by 2. Cos theta will be equal to minus root 3 by 2. तब आप आंसर निकाल सकते हैं, आंसर आप निकाल सकते हैं. Cos theta minus root 3 by 2 आया, 150 degree आंसर आएगा आपका. 5 pi by 6 आंसर is b, आंसर is b. So theta is 150 degree and that is 5 pi by 6. So our answer is B. Our answer is B. हाँ, answer 5 pi by 6 आएगा ना. Cos 150 degree, cos 90 plus 60 minus sin 60. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया वीक है. इट्स ए रिवीजन क्लास, लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, इट इज अ रिवीजन क्लास. अब देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है एंड आई वुड लाइक कि आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ए क्रॉस बी क्रॉस सी के मॉडलर्स आपको थ्री दी है. आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन विच दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड इन द जेईई मेन एग्जामिनेशन 2017. तो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ सी माइनस ए इज
3. एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी इज 30 डिग्री. देन ए डॉट सी आपको क्या करना है, ए डॉट सी आपको क्या करना है, निकालना है. देन यू विल हैव टू फाइंड ए डॉट सी. अब आपको ए डॉट सी को क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो दिस इज योर फर्स्ट चांस, शुड गो फॉर इट, यू कैन सॉल्व इट. The game is 2017. This question came in 2017. तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. ए आपको दिया हुआ है 2i plus j minus 2k. बी भी आपको दिया हुआ है I plus J, और modulus of C minus A is T, और आपको दिया हुआ A cross B cross C modulus is 3. तो हम यहीं से अपना इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ C cross A cross B. ठीक है, तो आप लोगों से कोई कोशिश कर रहा है इसको सॉल्व करने की? डज एनीवन वांट टू सॉल्व दिस? तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए और बी आपके वेक्टर हैं, तो यहाँ पे आप ये देखिए, इसको ऐसे मत करिए. सबसे पहले आप देखिए, आपको दिया हुआ है, यू आर गिवन, ये वेक्टर आपको दिया हुआ है ए क्रॉस बी. तो सबसे पहले हम क्या कर लें, ए क्रॉस बी को निकाल लेते हैं. वी शुड फाइंड ए क्रॉस बी, दैट वुड बी बेटर कि हम ए क्रॉस बी को निकाल लें. तो ए क्रॉस बी हमने निकाल लेना है आई जे के टू वन माइनस टू वन वन जीरो. आप मुझे सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल के बताइए, ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको निकालनी है. और दूसरा, मॉडुलस ऑफ ए भी हमें दिया हुआ है 4 + 1 + 4, That is 3. तो A cross B आप निकाल लीजिए. तो on solving, the A cross B will come as 2i minus 2j, yes, plus k, 2 into minus 1, yes, plus 1k. अब modulus of A cross B को भी हम निकाल सकते हैं 4, 4, 1. Then it will come as 3. तो अब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई. अब हमें मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी मालूम है, 3 है, ए क्रॉस बी मालूम है, और मॉडुलस ऑफ ए भी मालूम है, मॉडुलस ऑफ सी माइनस ए भी हमें दिया हुआ है. अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड पे इसे आप नोट कर लीजिए, हम इसे सॉल्व करेंगे. हमें दिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू हमें निकाल सकते हैं. तो हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉडुलस सी का मॉडुलस, और ए क्रॉस बी और सी के बीच में बनने वाला एंगल साइन 30 डिग्री, बिकॉज इट इज गिवन टू अस. सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल गिव, अब ए क्रॉस बी की मॉडुलस हम निकाल चुके हैं 3, सी का मॉडुलस हमें नहीं मालूम, साइन 30 इज 1/2. और पिछली स्लाइड पे हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी की मॉडुलस हमें गिवन है 3 = 3 mod of c 1/2. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा mod c is 2. और दूसरा हमें दिया हुआ है कि mod of c minus a 3 है. तो हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग. तो c माइनस ए के मॉडुलस का स्क्वायर हो गया 9. सो दिस कैन बी रिटन एज c माइनस ए डॉट c माइनस ए, दैट इज c डॉट c माइनस c डॉट a माइनस a डॉट c
माइनस माइनस प्लस ए डॉट ए, तो ये आपका आ गया मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट सी प्लस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 9। और मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर आपको दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर आपको दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ ए भी आपको दिया हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ, अब आप देखिए अगली स्लाइड पे हम जा रहे हैं, तो अगली स्लाइड पे हम जा रहे हैं, मॉडुलस ऑफ सी हमें दिया हुआ है कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। मॉडुलस ऑफ ए भी हमें दिया हुआ है, देखिए मॉडुलस ऑफ ए हमने निकाल लिया है, मॉडुलस ऑफ ए भी क्या है, 3 है। तो इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें ऐसी सिचुएशन मिलेगी, सी माइनस मॉडुलस ए स्क्वायर इज 9, मॉड सी स्क्वायर अभी निकाल चुके हैं, मॉड ए स्क्वायर माइनस 2 सी डॉट ए इज 9। अब मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर दैट इज हम निकाल चुके हैं, दैट इज 9। मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर सॉरी 4 आएगा, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर विल कम एज 4, सो मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर विल कम एज 4, दिस विल कम एज 9 माइनस 2 मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इक्वल टू 9, दिस विल बी 13, 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 9, सो माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 माइनस 12 कॉस थीटा इज माइनस 4, कॉस थीटा इज 1/3, कॉस थीटा इज 1/3, कॉस थीटा इज 1/3, कॉस थीटा इज 1/3। और हमें कॉस थीटा एक्चुअली हमें निकालना था सी डॉट ए, हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से सी डॉट ए को निकाल सकते हैं, आप सी डॉट ए को निकाल सकते हैं, तो ये 4 9 माइनस 2 सी डॉट ए इक्वल टू 9, माइनस 2 सी डॉट ए इक्वल टू 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4, तो सी डॉट ए की वैल्यू आ गई आपकी 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये देखिए ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो पेपर उतना आसान नहीं है बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, और उस 2 मिनट में आपका दिमाग चलना चाहिए कि आप कहीं गलत फॉर्मूले पे तो अटैक नहीं कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर, कि कहीं पे भी गलत फॉर्मूला आपका नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम विद द रॉन्ग फॉर्मूला। हाँ सी डॉट ए 2 आ गया जगत, बिल्कुल सही, सी डॉट ए इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है, सी डॉट ए इक्वल टू 2, तो आंसर आपका क्या हो गया, सी आ गया, द आंसर इज सी। सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, फॉर अ फर्दर बींग यू कैन रिवाइज इट, ये हमने यहाँ पे, अब अपनी फैसिलिटी के आप ले ले, आप ए क्रॉस बी को एक वेक्टर पी भी मान सकते हैं, पी क्रॉस सी का मॉडुलस क्या होगा, मॉड पी मॉड सी लाइक दैट, और ये वैल्यू यहाँ पे हमने ऐसे रख दी। अब देखिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इसको आप नोट कर लीजिए, एंगल भी पूछा जाएगा ए और सी के बीच में, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/3 दैट इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए एंड सी। लोग बोलते हैं वेक्टर 3D में क्या है, कुछ नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन हर साल एग्जामिनेशन में ये देगा, ये है और आपसे बनना चाहिए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। अब फर्दर अ डीप प्रैक्टिस इज ऑलवेज नीडेड, सो सी डॉट ए इज 2, जगत ने बता दिया था आंसर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये देखिए 2004 IIT, जिसे आप आजकल कहते हैं एडवांस्ड, आज भी ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया है। अब आप देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 1/3 मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर ए। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप जानते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर है और राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है आपको मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी इंटू वेक्टर ए, राइट हैंड साइड में वेक्टर ए है, थीटा इज द एंगल एक्यूट एंगल बिटवीन बी एंड सी, देन साइन थीटा इक्वल टू, देन साइन थीटा इक्वल टू,
ये आपका क्वेश्चन है, देन साइन थीटा इक्वल टू, दिस यू विल नीड टू सॉल्व इट। या ये भी आपका जेईई मेंस का एक क्वेश्चंस में से एक है। अब देखिए, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 1/3 बी सी वेक्टर ए। अब आप देखिए, इसको सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर इसका बदल रहे हैं, माइनस सी, फिर अपना कोट लगाएंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू 1/3 बी सी ए। अब यहाँ राइट हैंड साइड में वेक्टर ए का कोफिशियंट कितना है, 1/3 बी सी। तो अब हम यहाँ इसको कोट लगा देंगे, बाहर माइनस साइन है, ध्यान रखना, फर्स्ट डॉट थर्ड सी डॉट बी इंटू ए, फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड वेक्टर बी इक्वल टू 1/3 बी सी वेक्टर ए। अब आप देखिए, ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा सी डॉट बी इंटू वेक्टर ए, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, सी डॉट ए इंटू वेक्टर बी। अब राइट हैंड साइड में 1/3 बी सी मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दो वेक्टर दिख रहे हैं। मैं इसको और भी चीज बताना चाहता हूँ, ए और बी, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू बी। अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ ए एंड B। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी का कोफिशिएंट कितना है, माइनस, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ के इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व इट। सब इलेक्ट्रिसिटी इशू विल बी देयर, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कोफिशिएंट चेक कर लीजिए आपका कितना आ गया, माइनस सी डॉट बी, ठीक है, माइनस सी डॉट बी इंटू ये ए से मल्टीप्लाइड है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ए से मल्टीप्लाइड है 1/3 बी सी। तो मैं इसे अगली स्लाइड पे ले जा रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस सी डॉट बी इक्वल टू 1/3 बी सी। नाउ इट कैन बी रिटन एज माइनस बी सी कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3, वो आपसे पूछी नहीं गई है, तो साइन थीटा हमें निकालना है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो इट विल बी 1 माइनस 1/9, टेक द एलसीएम, 9, 9 माइनस 1, so sin theta will come as root of 8 upon 3, root 8 can be written as 2 root by 3, so it is coming as 2 root by 3. So comparing the coefficients, the concept is very simple, comparing the coefficients. फिर से मैं आपको एक बार यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ आप इसको देख लीजिए, फिर से अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में सी ए से मल्टीप्लाइड क्या है, वेक्टर ए से मल्टीप्लाइड है माइनस सी डॉट बी, और राइट हैंड साइड में वेक्टर ए से मल्टीप्लाइड है 1/3 बी सी, तो हमने उसे इक्वेट कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में बी से मल्टीप्लाइड है सी डॉट ए, और राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं बी है ही नहीं, तो हम यहाँ से पूछा नहीं गया है, फिर भी हम बोल सकते हैं सी डॉट ए इज जीरो, तो क्लियरली सी इज परपेंडिकुलर टू ए, द एंगल बिटवीन ए एंड सी विल बी, the angle between A and C will be 90 degree, तो ये 2√3/3 हमारा आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया A, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया A। अगली क्लास भी वेक्टर की होगी, तो आप जहाँ पे भी पढ़ते होंगे, किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, तो प्लीज थोड़ा वेक्टर को रिवाइज करेंगे क्लास में। अब आप
मैं ये चाहता हूँ कि आप क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर आप आंसर दें। आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, काइंड ऑफ क्विज वी विल रन, है ना? और गलत है तो हम उसे सुधारेंगे, सही है तो भी हम आपको उसको सॉल्व करके बताएंगे। तो सी इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी। सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। और आपने नोट नहीं करा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए, वेक्टर एलजेब्रा प्लस 3D, टू टू थ्री क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। आज मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ, थंब रूल फॉर एडमिशन टू NIT का एडमिशन बता देता हूँ। आपका AIR शुड बी लेस देन इक्वल टू 7500। ओके, रफली आप इसे 8500 ले सकते हैं, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द NIT। मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ कि NIT में एडमिशन का थंब रूल क्या है। तो बच्चों, ये आप हमेशा ध्यान रखिए और ला सकते हैं। मैं आई वांट टू से थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगली क्लास में वेक्टर एलजेब्रा की होगी, आप वेक्टर को रिवाइज करिए। इफ यू कॉन्टेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप एंड इफ यू डिमांड फॉर सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन आई विल प्रोवाइड यू। ओके, बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम एंड बिलीव योरसेल्फ। खुद पे भरोसा रखना जरूरी है।